आकाशमे रण रंग छाय भय भीत हो रिपु काप जाय भेदी बजी। जो कथन प्रबोधन करने वाला हो, मनोरंजन करने वाला हो, देवभक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति को भी प्रेरित करने वाला हो, ऐसा कोई भी कथन गायन कीर्तन होता है। आधुनिक समय में कीर्तन की आवश्यकता तो है। लोग ऐसे सोचते थे कि कीर्तन की उपयोगिता आध्यात्मिक प्रसार के लिए है, केवल परमार्थ के प्रसार के लिए है, तो वो बूढ़ों के लिए है। लेकिन आज थोड़ा विचार बदल रहा है। सावरकर जी ने ऐसी कविता लिखी, अरे बंधुनो पूर्वज ऐसे स्वतंत्र रणगाजी, हमारे पूर्वजों की ओर देखो कैसे थे हमारे पूर्वज, वे स्वातंत्र रखने के लिए रणांगण में संघर्ष करने के लिए तैयार थे, और आज आप कुत्तों जैसे दूसरों के द्वार में जाके पूछ हिला रहे हो, शर्म नहीं आती? ऐसे अंतर्भूति होती रहेगी तो हरि कीर्तन आज भी आधुनिक काल में बहुत बड़ा काम करेगा, देश को संपन्न करते हुए वैराग्यशाली उत्तम नागरिकों का भी निर्माण होगा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। नमस्कार, मैं चारुदत्त गोविंद आफले एक कीर्तनकार हूँ। आप देख रहे हो प्राचम इंडी क्लास। आप जरूर प्राचम को फॉलो कीजिए और सच्चा भारतीय होने का प्रयास कीजिए।